नमस्कार दोस्तों, वास्तु चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ कि रे सा रे। देखिए जैसे हमने बताया था सा जो स्वर है इसकी उत्पत्ति मोर की आवाज से हुई, उसी तरह से रे, रे मीन्स ऋषभ, जातक पक्षी की आवाज से रे लिया गया, जातक पक्षी की आवाज से रे लिया गया। और सा खड़ज जो होता है वो मोर की आवाज से लिया गया। तो इस तरह मैं आपको ये भी चीजें जो आपको नहीं मालूम होंगे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रे जो है जातक पक्षी की आवाज से लिया गया। तो आप ऊपर से जब दो होल बंद करते हैं तो आपका रे होता है। जब आपका रे है पहले आप सा बजाइए, फिर रे बजाइए, इस तरह से रे को भी कम से कम 20 सेकंड तक बजाइए। सा और रे 20 सेकंड तक बजाइए, ठीक है। और अपना छोटा सा एक वीडियो बना के मुझे भेजते हैं, क्योंकि देखिए ब्लो के प्रेशर में अगर कोई वेरिएशन या डिवेशन होगा, कम या ज्यादा होगा, तो आपका रे सही नहीं निकलेगा। तो आप मुझे अगर वीडियो बना के भेजेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका ब्लो का प्रेशर सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आपको स्टार्टिंग में ही मैं सजग कर दूंगा तो आप अच्छे से सीख लेंगे, और बाद में जाके फिर आप गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि नहीं सर मुझे मेरा ये तो मैं बजा लेता हूँ सर बज ही नहीं रहा। तो ये मेन चीज़ है, कन्फ्यूज़न नहीं पैदा करिए, अपना एक छोटा सा वीडियो बना के मुझे भेज दीजिए क्या जाता है। थोड़ा सा समय आपको लगेगा, मैं भी अब समय निकाल कर देख लूँगा, तो आपको मैं सही गाइडेंस करता चलूँगा। तो मेरा वीडियोज़ बनाने का पर्पज़ ही यही है कि मैं आपको सही गाइडेंस दे सकूँ। तो आप पहले सा और रे बजाइए, ठीक है। चलते चलते अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लोगों को भी शेयर करिएगा, जिससे लोगों को मालूम चले कि वासुदेव गुरु गोरखपुर निःशुल्क मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप फ्री में वासुदेव सीख सकते हैं, ठीक है। चलते चलते मैं आपको एक धुन सुनाता हूँ।